ये ऐसे कर रखा है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना है। और मतलब देखिए, मुझे ना आज ना स्कूल जाना था, मतलब तो मैं गई पर मैं जा नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि ना अब मेरी नाक से ना बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, और तो अभी मतलब थोड़ा ठीक, अभी तो मतलब पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मम्मी को सरप्राइज देते हैं, तो मैं सोचा क्या दूँ क्या दूँ, तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग चल रहा है। ओह माय गॉड, ये मैंने ठीक कर दिया हाय, गुड मॉर्निंग। तो ये कब से चल रहा है? सब। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं कहाँ थी बाहर। जब मैं बाहर झाड़ू मारी तब से नहीं रही है। अरेंज कर दिया है यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और वैसे पापा। हम बैठ जाते हैं क्योंकि खड़े होके हम आ नहीं रहे, हम थोड़ा सा ज्यादा लंबे हो गए। तो मेरे को ऐसे बैठना पड़ा। ये जो सरप्राइज था ना, तो ये मेरे लिए तो नया नहीं है, क्योंकि अभी खैर मुझे पता नहीं था कि ये सब ये कर रही है। ऐसे ही करती है पहले भी इसने, मतलब अभी तो इसने ऑन कैमरा किया है, लेकिन ऑफ कैमरा इसने बहुत बार, मुझे 5 या 6 साल की थी तब, ये छोटे छोटे सरप्राइज दिया करती थी। और अब जो है पूरा रूम अरेंज कर लेती है ऐसे ही, तो खुश रखने के लिए ऐसे करती है। इसका मतलब ये बच्चा ऐसे ही है, इसको अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को खुश रखना पसंद है ना। ठंडी चीजें खाओ, दही खाओ, खूब नींबू पानी पियो, है ना। नींबू पानी कोई बनाता है? मम्मा बनाती है, बहुत टेस्टी। तो नींबू पानी, मुझे आज मम्मी के हाथ का पीना है। हाँ तो नींबू पानी तो मम्मी के हाथ का तो पीता हो रोज, और क्या पड़ोस के आंटी आती है। तो मैं वैसे रोज ही पीती हूँ, पर आज मैं 2-2 गिलास पीऊंगा। और हमने इसको स्पेशली बोला है कि अपना जब भी नहाते हो तो सर गीला करा करो, क्योंकि शायद सर में जो गर्मी होती है ना, उसी से होता है इसका प्रॉब्लम। दही नहीं खाती है, दही इसको चीनी के साथ ही खानी होती है। मैं बोलती हूँ चीनी के साथ नहीं, प्लीज हल्का सा नमक डाल के खा लो, चीनी ज्यादा खाना ठीक नहीं है। थैंक यू वैसु।
ये रूम अरेंज कर दीजिए, ये बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, व्लॉगिंग। तो वैसे बहुत अच्छा बच्चा है ये, ऐसी ऐसी छोटी छोटी हेल्प मम्मा की करता रहता है ना। चलिए वैसु को अपना होमवर्क करने देते हैं और मैं अब जो है अपने बाकी के काम कर लेती हूँ फटाफट जल्दी जल्दी से। चलिए जी अब सारे काम हो चुके हैं, नहाना धोना हो गया है। अब मैं जो हूँ आ गई हूँ पूजा करने, तो माता रानी जी का आशीर्वाद लेने आ गई हूँ और माता रानी जी आप सबको भी ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो मैं आपको अपनी मंदिर दिखा रही हूँ और यहाँ पे जो है मैं जो हरियाली है देखिए अच्छी जमी है ना, तो इसमें मैं ऐसी पानी छिमटा रही हूँ। बोलते हैं कि ऐसे ही पानी छिमटाना चाहिए क्योंकि माता रानी भी जो है आपके घर में फिर ऐसी ही खुशियाँ बिखेरती हैं और माता रानी मेरे सारे YouTube फैमिली के घर में भी ऐसी खुशियाँ बिखेरे। तो चलिए मिलती हूँ आगे। हाय, जय माता की। आज मैं तो कैसे हैं आप सब? तो पूजा मैंने कर ली है और अभी मैं नाश्ता करूँगी। तो मैं नाश्ता करने ही जा रही थी और बनाऊँगी फिर करूँगी। और आपको पता ही है आजकल मैं नाश्ते में क्या ले रही हूँ। तो जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग ध्यान से देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि आजकल मैं नाश्ते में क्या ले रही हूँ, तो बस वही खाऊँगी मैं। और कमेंट करके बताना जरूर कि मैं आजकल नाश्ते में क्या ले रही हूँ। और जिन्होंने नहीं देखा है तो पिछला ब्लॉग देखिए और उनको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था, बताया भी था और दिखाया भी था। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं। और आज पहनी है मैंने साड़ी। साड़ी मेरी फेवरेट ड्रेस है, मतलब सारी ड्रेसों में से मुझे साड़ी ही पसंद है, लेकिन पहनती बहुत कम हूँ। पहनती हूँ मैं सिर्फ किसी त्यौहार पे या फिर जैसे ये व्रत वगैरह चल रहे हैं इन पे ही पहनती हूँ। वो व्रत पे भी मैंने अभी मुझे लगता है कि मैंने एक ही दिन पहना, पहले हाँ उस दिन पहना था और आज एक आज पहना है, तो अच्छा लगता है। लेकिन मतलब थोड़ा सा साड़ी में दिक्कत ये होती है कि हम एक तो पहनने में भी टाइम लगता है और ऊपर से फिर काम वाम करने में दिक्कत होती है। तो चलिए फिर पेट पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। आराम से बैठ गई हूँ मैं किचन का सारा काम करके। अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, 2 साल से मतलब गाड़ी हमारी जो थी एकदम ऐसी थी, मतलब उठने का टाइम नहीं था, कुछ सब कुछ ऐसे चल रहा था। तो अब जो है गाड़ी एकदम पटरी पे आ चुकी है। तो बच्चे सुबह मतलब बच्चे क्या, मैं तो खैर वैसे ही पहले भी 5 बजे ही उठती थी डेली, तो अब जो है बच्चे भी टाइम पे उठ रहे हैं, नहीं तो मतलब उनका तो उठने का कोई टाइम ही नहीं था। 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं बच्चे, लेकिन अब स्कूल जाने लगे हैं तो अब सब कुछ टाइम पे होने लगा है। तो वैसु को भी मैं उठा देती हूँ, मतलब मैं 5 बजे उठती हूँ तो उसको भी मैं ऐसी मतलब 10-15 मिनट बाद उसको भी उठा देती हूँ। फिर उसके बाद 6 बजे खुशी उठती है और 6 बजे तक वैसु नहा धो के तैयार रेडी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो है तीनों का ही इनका टाइम एक साथ ही है, इनके पापा का भी और इनका भी, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बाथरूम एक ही है तो इसलिए नहाने के लिए मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं जो है वैसु को पहले उठा देती हूँ ताकि वो 6 बजे तक नहा धो के अपना अलग हो जाए। 6 से 6:30 बजे तक खुशी का टाइम रहता है नहाने का और उसके बाद फिर उसके पापा का, तो ऐसे होता है मैनेज। अच्छा लग रहा है बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, मतलब पहले क्या था कि हम मुझे लगता है कि ज़्यादा तो
टाइम हमारा ही वेस्ट होता था यार, क्योंकि बच्चे कब उठ रहे हैं कब क्या, तो उनके हिसाब से हमें भी फिर सारी वैसी तैयारी करनी होती थी नाश्ते की खाने की, मतलब ना उन्हीं के हिसाब से। लेकिन अब जो है स्कूल जाने लगे हैं तो सुबह ही अपना खा पी के और लंच लेके चले जाते हैं। लंच तो खैर घर में भी आके करते हैं, पर मतलब जो है हमारा काम भी, मेरा भी तो काम टाइम पे हो जा रहा है, नहीं तो मैं 12 बज जाते थे मेरे काम करते करते, 12 बजे तक लगे ही रहो, और अब जो है 10 बजे तक काम हो जाता है, तो सही है। और 2 साल तक बच्चे मतलब घर में कहाँ ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि ठीक से पढ़ाई होती है, और कुछ एक दूसरे के साथ काफ़ी जूझना पड़ रहा होगा, है ना, क्योंकि वही है बच्चे फर्स्ट में आ गए, UKG में आ गए, लेकिन उनको उसने उन्होंने स्कूल ही नहीं देखा, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो सबको होने वाली है। हमारी खुद ही ये जो वैसु है वो आज स्कूल नहीं गई, क्योंकि वो कल मैम ने डांट दिया होगा कि काम नहीं है करा हुआ पूरा, क्योंकि वो उसकी जो स्कूल खुल गई थी अभी 1 तारीख से खुल गई थी, और जो बड़ी वाली लड़की उसकी 5 तारीख से, तो हमने सोचा दोनों एक साथ ही जाएंगे, तो 5 तारीख से ही भेजा हमने छोटी वाली को भी। लेकिन क्या हुआ कि फिर 2-3 दिन जो रहा उसका काम छूट गया इतने में। तो अब मैं आपको सीधे शाम को मिलूँगी, मतलब लंच वंच बना के, लंच वंच करने के बाद ही आपसे मिलूँगी, ठीक है, तब तक के लिए बाय। क्या कर रहे हो? मैं नींबू पानी बना रही था। क्या कर रहे हो? बेटा थोड़ा सा जीरा बना रही हूँ। जीरे का तड़का जब नींबू पानी में लगेगा मतलब भून के इसको पीस के तब डालेंगे। और यहाँ पे क्या पीस रहे हो? जीरे को जो मन कर रहा है। तीनों गिलास दिखाई चाहिए ऊपर तक, तो ये लीजिए आप भी पीजिए नींबू पानी, सर्द गर्मियों में खूब नींबू पानी पीजिए। और अपने नींबू पानी पीने से बहुत फायदे होते हैं, एक तो हमारा जो शरीर होता है वो एकदम हमारे शरीर को ठंडक मिलती है ना, और हमारी स्किन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हमारी स्किन बहुत ग्लोइंग बनी रहती है नींबू पानी पीने से। तो चलो चलो पीते आ जाओ, चलो इंजॉय करते हैं। चलिए आज की वीडियो का एंड हम नींबू पानी के साथ कर लेते हैं, आप भी आइए आप भी पीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।